नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शिक्षण एवं अधिगम और इस प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है और इसे किस प्रक्रिया के द्वारा यह प्रभावित होता है। टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण एवं अधिगम, अधिगम को जो है सीखना भी कहते हैं। शिक्षक जो होता है यानी कि शिक्षण विधि से वह अधिगम कराता है यानी कि सिखाता है। तो शिक्षण जिससे जो संबंधित होता है वह शिक्षक होता है और अधिगम जो है वह सीखने वाला होता है, तो इससे जो संबंधित छात्र होता है। शिक्षण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि सीखने वाला यानी कि अधिगम सीख नहीं जाता है, और इस दोनों से जो रिजल्ट निकलता है, फल मिलता है, वह शिक्षा होता है। और शिक्षा तभी माना जाता है जबकि शिक्षण के द्वारा अधिगम हो, यानी कि शिक्षक जो बताए उस प्रक्रिया में छात्र उसे सीख सके। यूँ तो सीखने के लिए बिना शिक्षक का भी सीख सकता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह जीवन भर सीखते ही रहता है, लेकिन अगर उद्देश्यपूर्ण सीखना है तो उसके लिए शिक्षण यानी कि शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षक जो शिक्षण दे यानी शिक्षण विधि जिस भी विधि से हो वह आवश्यकता हो जाती है। इसलिए आजकल जो टीचिंग लर्निंग है उसका कंसेप्ट उभर कर आया है। इस शिक्षण एवं अधिगम को जो प्रभावित करता है इसके कुछ कारक भी हैं। इसमें है शिक्षार्थी यानी कि छात्र खुद, शिक्षक यानी जो सिखाता है, पाठ्य वस्तु यानी कि जिस सामग्री के द्वारा शिक्षा दी जाती है, शिक्षण विधि यानी कि टेक्निक, पर्यावरण वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है जहाँ सिखाया जा रहा है, तो ये सारे जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। अब इसको जो है थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। शिक्षार्थी जो है वह शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षार्थी से संबंधित कुछ कारक है जो उसे प्रभावित करता है। इसमें जो है शिक्षार्थी की आयु एवं उसकी परिपक्वता अहम है, क्योंकि आयु के साथ ही जो छात्र होता है उसका मानसिक विकास भी होता है। दूसरा कारक अगर देखें जो शिक्षार्थी संबंधी है उसमें उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक शारीरिक रूप से वह स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक जो है वह सही से शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। और मानसिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अगर भय, चिंता एवं कुंठा आदि से जो ग्रस्त रहेंगे तो उसको जो है पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वे जो है सीखने में कोई रुचि नहीं ले सकेगा और वह सीख भी नहीं पाएगा। तीसरा कारक अगर देखें शिक्षार्थी से संबंधी तो उसकी बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, रुचि एवं अवधान। अवधान मतलब जो है अटेंशन, हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट है। छात्र का बुद्धि जितना ही तीव्र होगा वह उतनी जल्दी सीख जाएगा, लेकिन कभी ऐसा देखा जाता है कि बुद्धि लब्धि अधिक होने के बाद भी उसमें सीखे जाने वाली सामग्री के लिए अभी क्षमता एवं अभिवृत्ति नहीं होती है, तो वह उसे सीख नहीं पाता है। बुद्धि तीक्ष्ण है लेकिन इसके बाद भी उसे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, और वह अपना जो है अवधान यानी कि ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका सीखना प्रभावित होगा। अगर चौथा कारक देखें शिक्षार्थी संबंधी तो जो अभिप्रेरणा होता है यानी कि मोटिवेशन, और उसका सीखने का स्तर और उसकी इच्छा किस प्रकार की है उस पर भी निर्भर करता है। छात्र तभी सीख सकता है जब उसमें सीखने की आंतरिक इच्छा हो। अभिप्रेरणा के साथ सीखने की इच्छा का प्रबल होना आवश्यक होता है। जिस बच्चे में सीखने के लिए जिस स्तर की अभिप्रेरणा होती है
और जितनी तीव्र इच्छा होगी वह उतनी अधिक शीघ्रता से सीखेगा। पांचवा देखें तो शिक्षार्थी का जो है आकांक्षा का स्तर भी महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता से अधिक करता है, कोई व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल करता है और कोई जो है अपनी योग्यता एवं क्षमता की दृष्टि से भी कम करता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे आकांक्षा का स्तर कहते हैं और इस बात का निर्णय व्यक्ति स्वयं कर सकता है। जिन शिक्षार्थियों में जो बढ़ने की जितनी अधिक उच्च स्तर की आकांक्षा होती है वे उससे संबंधित ज्ञान एवं शिक्षा को सीखने में उतनी अधिक रुचि लेता है और उस पर उतना ही अधिक अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपने विषय को उतना ही जल्दी वह सीख लेता है। शिक्षण एवं अधिगम के जो दूसरा अंग होता है वह शिक्षक होता है। शिक्षक से संबंधित जो मुख्य कारक होते हैं, प्रभावित करते हैं, उसमें शिक्षक का व्यक्तित्व, उनका ज्ञान एवं कौशल, शिक्षण विधि, शिक्षार्थियों के प्रति जो व्यवहार किस प्रकार का है यह प्रभावित करता है। शिक्षक की अगर व्यक्तित्व की बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। वाणी, ज्ञान कौशल, संप्रेषण की कला आदि। शिक्षक का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली होता है शिक्षण एवं सीखने की जो प्रक्रिया है उतनी ही प्रभावशाली होती है। शिक्षक का ज्ञान कौशल विषय के लिए जितना ही स्पष्ट होगा वह उतने ही कुशलता के साथ शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी तरीका से छात्र तक पहुंचाएगा। शिक्षक का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनका व्यवहार भी होता है। जो शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के प्रति जितना अधिक आत्मभाव रखेगा उनके प्रति जितना अधिक प्रेम सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है उसमें पाठ्य वस्तु भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य वस्तु की प्रकृति, उसका संगठन, जीवन से संबंध और पाठ्य वस्तु का कठिनाई का स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया इस बात पर भी निर्भर करती है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को किस विधि से पढ़ाता एवं सिखाता है। और इसमें जो है शिक्षण विधि में प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें शिक्षण विधि की उपयुक्तता, यानी कि जो शिक्षार्थी जिस लेवल का है उसे उसी विधि से शिक्षा दिया जाए। जैसे कि छोटे बच्चे को खेल विधि उपयुक्त होता है, बाल एवं किशोरों के लिए स्वयं करके सीखने की विधि उपयुक्त है, जबकि उस शिक्षा के छात्रों के लिए प्रयोग खोज एवं तर्क विधि उपयुक्त होता है। और इसी प्रकार से जो है अभ्यास एवं उपयोग विधि में शिक्षक छात्र को बार बार अभ्यास एवं उपयोग कराने से जो है शिक्षार्थी जल्दी उस विषय को समझ लेता है। शिक्षण साधनों एवं तकनीकी का प्रयोग, सीखने की प्रक्रिया में जो है तकनीकी भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो है हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के द्वारा भी सिखाया जाता है, जिससे कि छात्र को रोचक, सजीव एवं प्रभावी उसे लगता है और वह जल्दी सीख जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस प्रक्रिया में, जैसे कि कविता पठन हुआ, कहानी भाषण, वाद विवाद, नाटक मंचन जो है इसमें सहगामी की बहुत ही जरूरत होता है। संगठन के रूप में इसे सिखाया जाता है। शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरण से संबंधित कारक है वो भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, इन दो को लेंगे। इसके अलावा जो है शिक्षण एवं सीखने का समय कि किस समय सिखाया जाता है, थकान एवं विश्राम, जब छात्र थक जाए उस समय न तो शिक्षक अपना कार्य सही ढंग से कर पाएगा और न ही छात्र ही सही ढंग से उस कार्य को कर पाएगा।
प्राकृतिक पर्यावरण में जो है शुद्ध वायु का होना, प्रकाश जो अच्छे मिले, ध्वनि अधिक नहीं हो, वह भी बाधकता होती है। अच्छा मौसम का होना, जैसे कि गर्मी के मौसम में छात्र भी जल्दी थक जाते हैं और शिक्षक भी, तो मौसम भी अनुकूल होना चाहिए। सामाजिक पर्यावरण में जो है इसमें समाज, परिवार, समुदाय, विद्यालय सभी आते हैं, और सामाजिक पर्यावरण में जो है अनुशासन का बड़ा ही महत्व होता है। यदि सामाजिक पर्यावरण अनुकूल ना हो तो इससे भी जो है शिक्षण एवं अधिगम प्रभावित होता है। तो ये था शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, और इस शिक्षण और अधिगम को जो प्रभावित करता है उससे संबंधित कारक। उम्मीद करते हैं कि इसे आप एक से दो बार में समझ लेंगे, महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऑनलाइन सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको जो है नए नए टॉपिक मिलेंगे। धन्यवाद।